सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से अष्टमी का पावन दिन सुबह सादर जयंत करते हैं आज की श्रोता के पास पर एक बहुत दुख भरी खबर के साथ। मंगलाचरण तीर्थ के ना वह पढ़ने वाले 50-55 बच्चे, रविवार की बात है, कंपिला जी गए तीर्थ के लिए यात्रा करी और गर्मी लग रही थी बहुत, तो पास ही गंगा है, गंगा में नहा लेते हैं। 8वीं से 12वीं तक के बच्चे थे, 12वीं में पढ़ता था आरव जैन, आया था अभी, युवा बच्चे सारे। उसमें एक छोटा बच्चा था, वह गंगा में गया तो वहीं फंस गया, डूबने लगा। आरव ने आप देखे ना ताओ, उसने तुरंत छलांग लगा दी आगे बढ़ने के लिए। उधर गोताखोर लोग भी थे, उन्होंने देखा छोटा बच्चा कूद रहा है, फंस गया है, तो बस गोताखोर चले और उसको निकाल लाए भाव से। लेकिन उस बच्चे को बचाने में जो आरव जैन बड़ा था, लेकिन वह उन लहरों में फंस गया। पानी का बहाव तेज था, गोताखोरों को तो नीचे घास सामने के किनारे बहे, तो गोताखोरों बताया भी एक जो बचाने गया था वह लड़का भी वहीं पर ही है। गोताखोरों ने समझा कि पानी की लहरों में पता नहीं चल रहा है, जो पानी का बहाव था उस तरफ आगे बढ़ते गए। लेकिन आरव का दुर्भाग्य क्या रहा कि जहां वह कूदा था वहीं पर नीचे 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 समा गया। बाद में उसकी शव मिला, कल अंतिम संस्कार किए गए। दो बहनों का इकलौता भाई था, पिताजी हार्डवेयर बिल्डिंग मटेरियल काम करते हैं। एक युवा जो कंधे के बराबर का होता है, जब ऐसे ही चला जाता है तो बहुत दुख, कहते हैं कहर टूट पड़ता है पूरे परिवार के ऊपर। क्या होता है, उसका क्या कसूर था बेचारे का, एक छोटे बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान निकल गई उसकी, मौत के दरवाजे पहुंच गया। चैनल महालक्ष्मी हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करता है। और ये बिटिया दमोह के बरियावड़ के खडेरी गांव की है। पिताजी क्या करते हैं, पिताजी साइकिल पर किराने की दुकान चलाते हैं, उस जगह जहां दो बार की रोटी देकर अपनी बेटी को सपने देखे हैं बड़ा कर जाए। ज्योति जैन नाम है बेटी का, और इसने अभी मध्य प्रदेश सिविल जज के एग्जाम दिया। गर्व करेगा जैन समाज इस बिटिया के ऊपर, पूरा जिला गांव सारा कर रहा होगा कि इसने मध्य प्रदेश के अंदर 3रा नंबर प्राप्त किया। आज पिताजी भी गर्व कर रहे होंगे, कोई बात नहीं मैं ऐसा निकला, पर मेरी बेटी आज अपने पूरे गांव को, पूरे परिवार को, पूरे समाज के लिए गौरवान्वित कर रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्योति बहन को, जो उसने इस मुकाम को हासिल किया है। और उम्मीद करते हैं उस जगह बैठकर महावीर स्वामी की नायकी आवाज को गुंजायमान करेगी। ये हो रही है भव्य जिनेश्वरी दीक्षाएं, चित्र देख रहे हैं अभी भीलवाड़ा से आचार्य श्री सुंदर सागर जी महामुनि राज के सानिध्य में, एक दो नहीं 6 ये जिनेश्वरी दीक्षाएं हुई, दृश्य देख रहे हैं। कहते हैं जब अपने लौकिक मार्ग से जब पढ़ते हैं उस मार्ग के ऊपर, कहते हैं जिसके लिए जीवन मिला है, ये उत्तम कुल मिला है, तो इस जीवन को क्यों नहीं ऐसा करें कि आने वाले भवों का जंजाल को सिकोड़ कर छोटा कर लें, और उसका रास्ता यही बनता है। बहुत बहुत मंगल कामनाएं इनके चरणों में नमन करते हुए कि आज सही रास्ते पर करते हुए वंदन करते हैं, और इसी तरह की भावनाएं अपने अंदर भी प्रचलित हो, इसकी भावनाएं सब अर्जित करते हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, कुछ सवाल दे देता है, कुछ अच्छा भी लगता है और कुछ आगम के विपरीत भी लगता है। पुष्पगिरी प्रणेता घणाचार्य पुष्पधन जी को, यानी अपने गुरु को आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी हार करा रहे हैं, देख रहे हैं आप। अच्छा लगता है जब शिष्य गुरु को कराता है, पर कहा जाता है कि इस स्वरूप के अंदर, वीतरा के स्वरूप के अंदर, मुनि स्वरूप के अंदर, आचार्य के स्वरूप के अंदर, आगम नहीं कहता कि वह दूसरे को आहार दे, महाव्रती होते हैं। तो इसलिए एक सकाल आगम का उठ जाता है और एक गुरु शिष्य परंपरा का होता है। चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, कितना सही है कितना गलत है, दृश्य था आपके सामने दिखा दिया। मुंबई के शिरसाड़ रोजमीरा रोड से दृश्य दिख रहे हैं आप, ये यहां पर वेदी के लिए शिलान्यास कार्यक्रम देख रहे हैं अभी। 21 फुट की यहां पर पद्मासन, पद्म प्रभु की प्रतिमा विराजमान होनी है, और यह है वहां की शुरुआत। जहां पर जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, वहां जिनालय नहीं होना चाहिए, पर जहां जरूरत है वहां जिनालय जरूर हो, जिससे यह भक्ति का, धर्म रवाना का जो रथ है वह चलता रहे, चारों तरफ फैलता रहे, यही भावना करिए। अच्छी बात है, मंगलकारी है, शुरुआत है। कोडरमा झुमरी तरैया के समाज श्रेष्ठी सुरेश झांगरी जी, ये देख रहे हैं अब रांची के कार्यक्रम हो रहा है, 27 अप्रैल के चित्र आपको दिखा रहे हैं। रांची के अंदर
झारखंड रत्न किसे सम्मानित किए गए कुछ प्रमुख गुणजन, और उसी में हमारे सुरेश झांझरी जी जो शीतलनाथ तीर्थ को देख रहे हैं और इस तरह में जुड़े हुए हैं बिहार तीर्थ कमेटी से भी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, उसी तरह समाज की सृष्टि बनकर हम लोग सब लोग आगे बढ़े और अपने समाज का, धर्म का, संस्कृति का नाम गौरवान्वित करते हैं। जाने से पहले यह नया मंदिर 217 साल प्राचीन, यानी जिस समय बहुत कम मंदिर रहे होंगे तब, और नाम है इनका आज नया मंदिर। क्यों है नया मंदिर, गजब की बात है। 1807 में बना था अकबर के समय, उनके कोषाध्यक्ष थे हरसुख राय जी, तब उन्होंने 8 लाख रुपए लगाकर इस नए मंदिर को बनाया था। चांदनी चौक दिल्ली की बात हो रही है आपसे, नए मंदिर की, तब ये बनाया गया था। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये है 1858 में खींची गई, तब का ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सोचिए कितने प्राचीन फोटो आपके पास लाए हैं। पर खास बात क्या आती है इसकी कि इतने मंदिर प्राचीन होने पर तो नया मंदिर क्यों कहते हैं आज भी इसको, कारण क्या है। उस समय इससे पुराना मंदिर था एक लाल मंदिर, तो लाल मंदिर को तब कहते थे लाल मंदिर, प्राचीन मंदिर, और ये कहला गया नया मंदिर। इसलिए तब से लेकर 217 साल भी बाद, जब इसके बाद सैकड़ों मंदिर बन गए, हजारों बन गए देश के अंदर, पर इसका नाम वही नया मंदिर है। है ना खास बात, कुछ अलग बात करते रहेंगे आपके साथ सुबह शाम 8 बजे, साथ साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ।